फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं केक, जो कि हम इजीली घर पर ही बिना ओवन के कढ़ाई में बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है बनाने में, बच्चों को बड़ों को सबको काफ़ी पसंद भी आती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम दो अंडे डालेंगे। अंडों को तोड़कर हम अच्छे से मिला लेंगे, कम से कम एक मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें दो कप मैदा छान कर डाल लेंगे। छान कर डालने से हमारा केक जो है वो काफ़ी लाइट बनेगा और फ्लफी स्पॉन्जी सा बनेगा। अब हमें अच्छे से मैदे को अंडे में मिला लेना है। अब हम छन्नी से डेढ़ कप चीनी है, पीसी हुई चीनी, ये हम छन्नी से छान कर डाल लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, बड़ा बर्तन लीजिएगा, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी छोटे से बर्तन में। अब हमने इसमें आधा कप ऑयल डाला है। देखिए, आधा कप तेल डालकर अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और एक चम्मच वेनिला एसेंस। इन दोनों को अब हम मिक्सर में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, तो मैंने दूध को जो है उबाल कर ठंडा कर लिया है। तो आधा कप दूध में थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाती रहूँगी। अब मैंने इसमें टूटी फूटी ऐड किया है, आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर टूटी फूटी ना अवेलेबल हो तो। केक टिन को जो है मैंने ग्रीस कर लिया है, नीचे अच्छे से तेल लगाकर ऊपर से मैदा छिड़क कर मैंने टिन को तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये बैटर पोर कर दूंगी, अच्छे से डाल लूंगी। लेवल जो है सेम रखना है। मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर करीब 15 मिनट तक ढक कर। अब मैं इस कढ़ाई में ऐसा स्टैंड रखूंगी और मेरे केक टिन को जो है वो रखकर इसे अच्छे से ढक कर कम से कम 30 मिनट तक पका लूँगी। बारी बारी से 10-10 मिनट में आप चेक करते रहिएगा। देखिए, 10 मिनटों में हमारा केक जो है वो फूलने तैयार हो रहा है। फिर से ढक लेंगे, ऐसे ही आप चेक करते रहें 20-25 मिनट तक। 30-35 मिनटों में हमारा केक जो है वो रेडी हो जाता है। तो ऐसे एक फोक हम डालकर चेक कर लेंगे, क्लीन आया है इसका मतलब कि केक रेडी है। वो पूरा ठंडा होने के बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो पहले इसके किनारों से ऐसे एक चाकू चला लेंगे और अब इसे उल्टा करके अच्छे से डैप करके हम डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमारा केक जो है अच्छे से ब्राउन कलर में अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसकी साइड्स जो है वो हम स्क्रेप कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो स्मूथ लगे, फिनिशिंग अच्छी आए। अब मैं केक का जो ऊपरी सिरा है जो फट चुका है, काफ़ी रेज होकर फूल चुका है, तो उसे मैं कट करके केक को जो है समान कर लूँगी। अब मैं इसमें ये चीनी वाला पानी ऐड करने वाली हूँ। एक कप चीनी को एक कप पानी में घोलकर ये सिरप तैयार कर लेना है और इसे अच्छे से केक पर लगा लेना है। अच्छे से अंदर तक सोक करना चाहिए, अच्छे से लगाइएगा। अब मैं जो बीच में जो हिस्सा है, खाली हिस्सा, उसमें टूटी फ्रूटी ऐड करके इसे डेकोरेट कर लेने वाली हूँ। आप चाहे तो
और भी केक डेकोरेटिव सामान आते हैं वो सब आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं वही चीनी वाला पानी जो है इसके ऊपर फिर से लगा दूंगी ताकि ये टूटी फूटी जो है अपनी जगह पर सेट हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा केक जो हमने घर पर ही बना लिया है ओवन ना होते हुए कढ़ाई में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।